अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊदु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق گرامی قدر گرامی منزلت अहबाबे गिरामी अल्लाह सुबहानहु व तआला फरमाते हैं, वो लोग जो कामयाब मोमिन हैं उनकी दो निशानियां ये भी हैं कि वो अपनी अमानतों की हिफाजत करते हैं और अपने वादे की पासदारी करते हैं। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के उस कौल के साथ करना चाहता हूँ जिसमें वो फरमाते हैं कि इस उम्मत में से सबसे पहली जो चीज़ें उठा ली जाएंगी वो दो हैं, अल-हया वल अमाना। दो चीज़ें इस उम्मत में से सबसे पहले उठा ली जाएंगी, एक शर्मो हया है और दूसरी अमानतदारी है। मैं आज की इस मुख्तसर सी निशिस्त के अंदर अमानत और दयानत की अहमियत पर नहीं बल्कि अमानत और दयानत की जो किस्में हैं उसके ऊपर आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं। अमानत और दयानत की अहमियत के बारे में यकीनन आप सुनते भी रहते हैं और आपको कोई कई चीज़ें याद भी होंगी, लेकिन इस हवाले से कुछ तकसीम उलमा ने की है कि कौन कौन सी चीज़ें अमानत के अंदर आती हैं। आम तौर पर पैसों का जो मामला लेन देन का है हम शायद इसी को अमानत समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अमानत का मफहूम बड़ा वसी है। अमानत की किस्मों में से उलमा ने सबसे पहली किस्मत दीन की तज़किरा किया है और फरमाया है वहिया अमानतुल उज़्मा, सबसे बड़ी अमानत ये है कि इंसान अपने दीन इस्लाम के साथ सही मानों में जुड़ जाए। उदखुलूहा फिस्सिल्म काफ़ा के तहत के इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है, कहीं पे जाके डंडी नहीं मारनी। क्या ऐसा मुमकिन है मैं कहूं मेरा ये हिस्सा मुसलमान है और ये काफिर है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपने इस हिस्से को पर दीन लागू कर सकता हूं, इस हिस्से पे मैं दीन लागू नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। ये पूरे वजूद के ऊपर दीन लागू करना पड़ेगा और जो जो चीजें अल्लाह सुबहान व तआला ने हमारे जिम्मे लगाई हैं, जो फराइज हमारे जिम्मे लगे हुए हैं, नमाज की सूरत में, रोजे की सूरत में, जक़ात और हज की सूरत में, एक दूसरे के हुकूक अदा करने की सूरत में, हमसायों के हुकूक अदा करने की सूरत में, बाजार में जाने के हुकूक के हवाले से, ये सारी अमानत की किस्में इसके अंदर आती हैं। अब जो बंदा इसके अंदर डंडी मारता है वो अमानत से पहलू तही इख्तियार करता है, वो दीन के मामले में खयानत से काम ले रहा है। एक है चीज में सुस्ती का हो जाना, ये एक अलग चीज है। एक ये है कि उसका एहतमाम ही ना करना, ये खयानत नहीं तो और क्या है। लिहाजा अमानत की किस्मों में जिससे सबसे बड़ी अमानत उलमा ने शुमार किया है वो यही अमानत उज़्मा है कि इंसान अपने दीन के साथ सही मानों में और पूरे का पूरा जुड़ जाए। नंबर दो, हर वो चीज जो अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें अता की है वो अल्लाह की अमानत है और इस अमानत के बारे में उस रब्बे की बिरयानी के आमद के दिन पूछना है। मशहूर हदीस है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने घर से बाहर तशरीफ लाए, रास्ते में शेखैन करीमैन रदी अल्लाह अन्हुमा भी मिल गए। आप अपने अंसारी से अभी रदी अल्लाह उनके बाग में चले गए,
उन्होंने देखा नबी सलाम हमारे बाग में तशरीफ लाए हैं, ये तो हमारी सादत की बात है। लिहाजा उन्होंने पहली फुर्सत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें पेश की, ठंडा पानी पेश किया। चंद लम्हों बाद आपके लिए गोश्त वो बना के ले आए। नबी सलाम ने गोश्त तनावल फरमाया, खजूरें तनावल फरमाई, पानी पिया। उसके बाद अपने साथियों की तरह मुखातब होकर कहने लगे, फरमाने लगे, याद रखना इन नेमतों के बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह ने तुमसे पूछना है। अल्लाह सुबहान व तआला ने जिंदगी जैसी नेमत दी, आम तौर पर मशहूर है जी जिंदगी मौत की अमानत, ठीक है जुमला, लेकिन जो जिंदगी के अंदर मामलात हैं वो अमानत किसकी है? वो अल्लाह सुबहान व तआला की। जो जिंदगी गुजारने का पीरियड अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें अता किया है, उस जिंदगी के बारे में जो अल्लाह ने नेमतें हमें अता की हैं, जिंदगी जैसी, सेहत जैसी, आफियत जैसी, औलाद जैसी, घर बार जैसी, माल कारोबार की, ये सारी वो नेमतें हैं जिनके बारे में कल क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान व तआला ने इसका हमसे हिसाब लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ला तज़ूला कदम अबनी आदम हत्ता युसअला अन खम्स, क़यामत के दिन आदम का बेटा उस वक्त तक अपने कदम नहीं हिला सकेगा जब तक पांच सवालों के जवाब नहीं दे रहे। अन उमरिही फीमा अफनाहू व अन शबाबिही फीमा अबलाहू, अल्फाज बड़े अजीब हैं। जिंदगी के बारे में पूछा जाएगा कि इन कामों में फना करके आए हो, और जिंदगी के अंदर एक गोल्डन पीरियड जवानी का था वो किन कामों में बसीदा करके आए हो। फना करना और बसीदा करना दोनों में फर्क है। जवानी के अंदर अल्लाह सुबहान व तआला ने ताकत कुव्वत में सब कुछ अता किया था, बताओ इस जवानी को अल्लाह की राह में लगाया या शैतान की बंदगी में लगा दिया तुमने? और इससे अगला सवाल है, तुम्हारे माल के बारे में पूछा जाएगा कहां से कमाया। हमारे यहाँ आमतौर पर जो FBR या दूसरा नैब का अमला है ना, ये बड़े बड़े लोगों से, सियासतदानों से, आम लोगों से भी जब ये सवाल करते हैं वो सिर्फ ये पूछते हैं कि ये माल तुम्हारे पास आया कहाँ से है, तुम्हारी इनकम के जराए तो इतने, तुम्हारी मामला तो इतना ही, तुम्हारे इतने मामले में तुमने इतनी बड़ी बिल्डिंगें कैसे खड़ी कर ली, ये सवाल जब पूछा जाता है। अल्लाह सुबहान व तआला ने ये भी पूछना है ये कहां से आया, और अगला सवाल भी, ये खर्च कहां पे किया ये भी हिसाब दो, कहां कहां खर्च किया है, इसके मकामात भी बताओ कैसे खर्च किया है, ये उससे भी मुश्किल काम। हमें तो एक हफ्ते बाद शायद याद ना रहे कि पूरे हफ्ते की मैंने क्या रोकड़म निकाली थी और क्या खर्चे निकाले थे, यहाँ तो पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। और इंसान से उसके इलम के बारे में पूछा जाएगा, बताओ जिस हद तक तुम्हारे पास इलम पहुंचा था उस इलम पर तुमने अमल कितना किया है, ये पांच सवालों के जवाब देगा तो कदम हिला सकेगा वरना कदम नहीं हिला सकेगा। लिहाजा हर वो चीज जो अल्लाह सुबहान व तआला ने हमें अता की है उन नेमतों के बारे में अल्लाह सुबहान व तआला ने हमसे पूछना है। नंबर तीन, ये मामला बड़ा मुश्किल है, किसी की इज्जत का ख्याल करना, अपनी इज्जत का ख्याल करना, किसी की इज्जत का ख्याल करना, ये भी अमानत है। और खास तौर पर जब फरीकें आपस में लड़ पड़े ना, इस मौके पर सबसे बड़ा इम्तिहान होता है कि इंसान एक दूसरे की इज्जत को महफूज करता है या उसको पामाल कर देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन रद्द अन इर्ज़ अखी रद्द अल्लाहु अन वजहिही नार यौमल क़ियामा, जो बंदा अपने किसी मुसलमान भाई की उसकी अदम मौजूदगी में इज्जत का दिफा करता है, ये अमल अल्लाह को इतना महबूब है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान व तआला इस दिफा करने वाले के चेहरे को जहन्नम से दूर कर देगा। कहा जाता है कि आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, किसी ने पूछा भाई तुमने तलाक क्यों दी, कहता अभी तो वो इद्दत की हालत में है, मेरी बीवी कहलाती है, मैं क्यों बताऊं। इद्दत गुजर गई, उसके निकाह से निकल गई, लोगों ने कहा अभी ही बता दो क्या मसला है, क्यों तुमने तलाक दी। कहा एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के अयूब की पर्दापोशी करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, मैं क्यों बताऊं। उसने एक दूसरी जगह शादी कर ली, लोगों ने कहा अब तो वो किसी और की हो चुकी, अब ही बता दो क्यों तलाक दी। कहा अब तो उसका मैं घर उजाड़ना नहीं चाहता, अब तो और मेरे ऊपर लाजिम है कि उसका घर महफूज रहे। एक दूसरे की इज्जत का दिफा करना। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबिया आई, आके कहने लगी फलां बंदे से जो मैंने शादी की है ना, उसके दीन और अखलाक के बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, बताया नहीं है क्या उयूब हैं, क्या खामियां हैं, बस मेरा दिल नहीं मानता इसके साथ जिंदगी गुजारने को, मेरे मुझे आदत और अतवार पसंद नहीं है।
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तूने जो हक महर उसने तुझे को दिया है वो वापस करेगी, जो बाग उसने हक महर में दिया? कहा जी हाँ मैं वापस करने के लिए तैयार हूँ लेकिन रहना नहीं चाहता। हमारे उस्तादे गिरामी शाह यूनुस बट साहब रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि देखिए कि अपने शोहर की इज्जत को नीलाम नहीं किया, उयूब होंगे खामियां होंगी लेकिन उसको जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा कि मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती, बस जो भी मामले हैं खामोशी अच्छी, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना और खुसूसी तौर पर उसकी अदम मौजूदगी। कहने वालों ने तो यहां तक कहा है ना कि इंसान का हकीकी मकाम और मर्तबा वही है जिसका लोग इजहार उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं। मुंह पर बैठे तो एक दूसरे की तारीफ खुशामद कर ली, कोई इस तरह की बातें कर ली, असल हकीकत और असल इंसान की इज्जत वो है जिसका इजहार लोग उसकी गैर मौजूदगी में करते हैं। और कहने वालों ने यह भी बड़ी प्यारी बात कही कि अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अल्लाह के यहां तुम्हारा क्या मकाम और मर्तबा है, क्या तुम्हारी इज्जत है, ये देख लो कि तुम्हारे यहां अल्लाह की क्या इज्जत है, तुम्हारे यहां अल्लाह का क्या मकाम और मर्तबा है, तुमने अल्लाह के हुकूम जो अहकामात हैं उस पर अमल की साथ किया है, उसी के मुताबिक तुम्हारा भी मकाम और मर्तबा अल्लाह के यहां होगा। इसलिए एक दूसरे की इज्जत को नीलाम नहीं करना चाहिए, इसको पामाल नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफिज बनना चाहिए। नंबर चार, ये जो औलाद अल्लाह सुबहानहु तआला ने हमें अता की है ये भी अमानत है, इनकी तरबियत करना, इनका ख्याल करना, इनकी जिम्मेदारियां जो पूरियां करना, सबसे बड़ी चीज तरबियत। रब्बा युरब्बी अरबी के अंदर कहते हैं ऐसा पौधा जिसकी शाखें बाहर आ जाएं और वो देखने में बड़ी अजीब और लोगों को अजियत दें, उसको काट के बिल्कुल बराबर कर देना, ये तरबियत कहलाता है। इंसान इसकी कुछ हदूद हैं, उनसे जब ये बाहर निकलने की कोशिश करता है जो इंसानियत के दर्जे के मुनाफी नहीं है, जो मुनासिब नहीं है, उनको काट छांट कर देना, ये तरबियत कहलाता है। तो हम देखें कि हमारी जो औलाद है हम उसकी तरबियत का किस कदर एहतमाम कर रहे हैं, उसको दिन रात में हम क्या सिखा रहे हैं, हमारे घरों के अंदर माहौल कैसा है, बच्चे की तरबियत के ऊपर मेरा किस हद तक असर है, ये सारा कुछ बच्चा अपने घर से ही लेता है। हमारे उस्ताद गिरामी चौधरी यासीन जफर साहब हफीज़ा फरमाया करते हैं हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो हमारे जामियात में दाखिल होते हैं, पहली क्लास के तालिबे इल्म होते हैं, लेकिन उनके अंदर अदब एहतराम और इस तरह की चीजें बहुत मौजूद होती हैं, ये कहां से लेके आगे, वो हमें महसूस होता है कि इनको घर से ये तरबियत मिली। और कई परवान चढ़ते जाते हैं पहले साल से लेकर दरमियान तक आने के बावजूद भी सीधे नहीं होते, वो बिगाड़ का शिकार रहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, पता ये चलता है कि इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत ही नहीं की। मैं वो एक अक्सर बात अर्ज करता रहता हूँ कि असल औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप की है, जब माँ बाप की खुद की तरबियत ना होगी तो वो औलाद की तरबियत कैसे करेंगे। इसलिए ये औलाद अल्लाह सुबहान व तआला की अमानत है, इस अमानत को हमने अदा करना है, और अल्लाह सुबहान व तआला ने कल क़यामत के दिन इस औलाद के बारे में हमसे पूछना है। सही बुखारी की रवायत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, तुम में से हर आदमी निगेबान है, हुक्मरान है, जो भी उसकी रियाया है औलाद की सूरत में, गुलामों की सूरत में, मुलाजमों की सूरत में, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुबहान व तआला ने इनके बारे में पूछना है। पांचवी चीज, किसी भी चीज की जिम्मेदारी जो इंसान के कंधों में पड़ जाए, वो ओहदे की सूरत में हो, वो ओहदे कजा हो, जजमेंट हो। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक अराबी आया, कहने लगा मतसा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया इज़ा ज़ुयअतिल अमानत, जब अमानत जाया करनी शुरू कर दी जाएगी। कैफ़ इज़ाअतुहा, अमानत कैसे जाया होगी? फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा फंतज़िर सा, जब मामलात ना अहल लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएं तो समझ लेना फिर क़यामत का इंतजार करो। एक बंदा एक ओहदे का काबिल ही नहीं है, एक मनसब का वो अहल ही नहीं है, उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है उसके अंदर, आप उसको वो ओहदा दे देंगे वो तो बर्बादी पर मचा देगा, वो उस ओहदे की लाज को भी खराब करेगा, उसकी इज्जत को भी पामाल करेगा, और उसके मुतलका जितने भी शोभा जात हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देगा। और फी जमाना हम इन चीजों से गुजर रहे हैं और हम ये हर जगह देख रहे हैं, कोई किस अंदाज के साथ किसी ओहदे पे पहुंच रहा है और कोई किस अंदाज के साथ ओहदे पे पहुंच रहा है, और बाद में बहाने भी तराशता है कि मैं क्या करूं। और नंबर छह आखिरी चीज, एक दूसरे के राज को छुपाना। हमारा तरीका वारदात पता क्या है यार, वैसे ना गिब्बत हो जाती है, बस अल्लाह ताला हमें मुआफ करे, ऐसे है
यानी कर भी जाते हैं। और किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही कि हम तो एक दूसरे की बेइज्जती भी बड़े अदब के दायरे में करते हैं। अगर यार तू किसी बात को महसूस ना करे, मैं एक बात कहूं और उसकी बेइज्जती भी कर जाते हैं। एक दूसरे के राज को छुपाने का हुक्म है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कोई बंदा आपसे बात कर रहा है ना, और बात करते वो दाएं बाएं देखता है, कोई देख तो नहीं रहा। फरमाया ये भी राज है, ये भी अमानत है। अभी इस अमानत को आउट नहीं करना। अब देखिए कि सुबह के वक्त में बात होती है, शाम तक पूरी जगह तक फैली होती है। और खुसूसी तौर पर माशाल्लाह ये जो आला है ना हमारा मोबाइल का आला, इसने तो हमारे ऊपर ऐसा एहसान किया है कि हम चुपके से वीडियो बनाते हैं, छोटी छोटी बात की वीडियो बना के अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए और फॉलोअर लेने के लिए कि जल्दी जल्दी मेरा जो चैनल है वो अप्रोच हो जाए, मेरा पेज जनाब वो ग्रोथ करना शुरू कर दे और इससे मुझे इनकम आना शुरू हो जाए। छोटी 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 वीडियो बना के हम अपलोड करना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के राज को छुपाना तो बिल्कुल जो है ना नायाब होता जा रहा है। और मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम हजरत मैमून बिन मेहरान रहिमहुल्ला की बात के साथ करना चाहूँगा। फरमाते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं अगर इंसान उसका अहतमाम कर ले तो वो नेकों कारों में से हो जाता है, और अगर अहतमाम ना करे तो फासिक और फाजरों में चला जाता है। नंबर एक, वादे की पासदारी। नंबर दो, अमानत को अदा करना। नंबर तीन, सिला रहमी करना। और इत्तफाक से माशाल्लाह तीनों चीज़ें हमारे माशरे से खत्म होती जा रही हैं। फरमाया, अगर इन तीन चीज़ों का अहतमाम इंसान कर ले, वादे की पासदारी करे, अमानत को अदा करे, सिला रहमी करे, रिश्तेदारियों को जोड़े, तो नेकोकारों में चला जाता है, और अगर तीनों का अहतमाम ना करे तो फास्क और फाजरों में चला जाता है। अल्लाह मुझे और आप इन आप हजरात को अमानत और दयानत का जो है वो अमीन बनाए, और ख्यानत से अल्लाह ताला बचा के रखे। वा आखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।